ऐसे तो पैसों से बेस्ट फ्रेंड थोड़ी होते हैं। सही है, बहुत अच्छा सर। हूं मैं पानी रास्ते में कड़ा तावड़े कमाई उसको छोड़ दो आप, वो तो होना ही है, जो होना वो तो होना ही है। कोई क्या होना इसे बताना। एलिमिनेशन। आज कोई बाहर जाएगा, अपने घर जाएगा, अपने घर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आज एक स्पेशल डे वो बताइए। जो अपने देश में होता है वो। और इंटरनेशनल जो देश में सभी सभी देशों में मनाया जाता है। तो फ्रेंडशिप डे के बारे में किस किस को पता है? सभी को पता है। yes. सभी के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे, खास बेस्ट फ्रेंड सभी के होंगे। तो आप सभी को ना अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में बताना है, और क्लोज फ्रेंड के बारे में बताना है, उसके बाद आज कोई छोटे बिग बॉस से अपने घर चला जाएगा। सभी अपने फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे, अपने क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएंगे, क्या नाम है, कहाँ से है, और उनसे आपको उनका एग्जाम, आपका भी एग्जाम होगा, साथ में आपके बेस्ट फ्रेंड का भी एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे, आपको उनको बोलना है कि मुझे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कोई भी बहाना बनाकर उनसे पैसे मंगवाने हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसे नहीं बताएगा कि मैं छोटे बिग बॉस शो में हूँ, कैसे हूँ, कोई वीडियो शूट हो रहा है, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। ऐसे बोलेंगे मुझे जरूरत है, आप मुझे भेज दीजिए फोन पे, गूगल पे, कैश, कैसे भी करके। ठीक है, तो देखते हैं आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे नहीं है। मेरे दो आज पता चलेगा कि वो कौन सा फ्रेंड कैसा है, पैसे देते हैं या फिर नहीं देते। देखो, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है पायल सैन एंड गंजन शर्मा, है ना। तो दोनों उन्होंने मेरे को बहुत बार नंबर दिए, लेकिन मेरे से वो खो गए, तो मेरे पास उनके नंबर ही नहीं। तो अभी देखो आपका चांस आएगा तो बताना सारा सब कुछ। ठीक है, समझ गए सभी। आपको क्या करना है, कॉल करना है और कोई पैसे की हेल्प मांगनी है। ठीक है, तो देखते हैं कितने, हाँ देखते हैं कितने फ्रेंड आपके काम आते हैं। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। चित्रा एंड आईना। क्या नाम है? चित्रा एंड आईना। डायना। आईना। क्या बोले? चित्रा और आईना। आईना कहाँ से? यहाँ से, रतननगर से। रतननगर से आपके साथ पढ़ते हैं। तो आप किन्हें कॉल करना चाहोगी? मेरे पास उनके नंबर नहीं है, तो मैं उनको कॉल कैसे कर दूंगी? नहीं कर सकते। तो आपको लगता है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं? कर देंगे, पर मेरे पास उनके नंबर भी नहीं, और घर पे कॉल कर सकते हो। तो उसे ये नहीं बताना कि मैं बिग बॉस शो की शूटिंग चल रही है, छोटे बिग बॉस शो की शूटिंग चल रही है, उसका उसका शूट हो रहा है, ये कुछ नहीं बताना, और अपने बेस पे देखना है। ठीक है, नंबर याद है? ठीक है, ऐसे बोल देना मैंने किसी का फोन लेके फोन किया है। ओके, डायल करो और बात करो, लाउड कर देना। निकू ने एक बार 100 रुपया लेके देनी जल्दी सी। कट चलाऊं? कट लिया, लेके आ, लेकिन जाऊं पापा के पास 100 रुपया दो। हां जल्दी लेके आ, 2 मिनट में ही काट दिया। तेरा यार पता चल गया उसे, आप हंसे ना, सभी लोग हंसे, तब पता चल गया उनको भी पता ही होगा शूट पे आप। हाँ, ये तो पता होगा, बट मैंने बोल दूंगी स्टार्ट नहीं हुई अभी शूटिंग, कि हिंदी में बात नहीं करनी, स्टार्ट होती तो अभी कुछ लेने जाना चाहिए, कोई हंसेगा नहीं। कितने साल से फ्रेंड है आपके? कितने साल से? बचपन से। बचपन से? तो उस दिन आपने
बेस्ट फ्रेंड को सेव तो नहीं किया आपने? वो ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी, जो मेरे को लगा वो मैंने कहा। उठा लो। अरे फोन उठा लो। नहीं उठा रहे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर गजब बेइज्जती याद नहीं होगा तेरा यार हूँ मैं। तुम्हें पता चल गया था ना पहले है ना कि मैंने पहले बोला था दाऊद सभी ऐसे था पता चल गया। ये मुझे दे दो काम आएंगे उसने कट कट कर उसके पास ही होंगे ना। अरे कट हो गया नंबर नंबर आ गया फोन। हेलो नेहा एक बार 100 रुपया भेजना है डांस क्लास में भेज जरूरी काम है तेरा यार मैंने बिल्कुल भी नहीं दी इसने सही बात की इसका सही बात है नेक्स्ट फाइल। हाँ क्या भेजू अरे पापा का साग भेज दे तो जरूरी है कोई काम है ठीक जल्दी भेज बाल थी फोन पे करवा ली मेरे पास फोन ही नहीं है कोई ना बैठ जाइए। हेलो हेलो नहीं हेलो दीदी हाँ वो गरिमा दीदी कहाँ है आंटी जी हेलो हेलो गरिमा दीदी वे थे 100 रुपया फोन पे पे कर रहे हो 100 रुपये फोन पे कर रहा हाँ गरिमा दीदी सही बोल रहे हो ना भैया हाँ 100 रुपये फोन पे करो 100 रुपये तो नहीं कर सकते क्या वो आप गरिमा दीदी नहीं बोल रहे मुझे बताए वो गरिमा दीदी को देना फोन हेलो हेलो गरिमा दीदी मैं पायल बोल रही हूँ दीदी थे 100 रुपये फोन पे करो ना ठीक है जल्दी करो आ नंबर पे करो ठीक ना ठीक है तेरा यार हूँ मैं बस दिखाता नहीं है रुपए नहीं सिर्फ पैसे कुछ भी दिखाता नहीं है वो इस टाइम सर आ गए गाइस उठा ले भाई इज्जत का सवाल है यार हेलो अमित भाई एक बार जरूरत है 100 रुपये भेज यार फोन पे कर यार 100 रुपये जरूरत है जरूरी काम 100 रुपये फोन पे कर यार जरूरी काम है यार एक
नहीं आगे तो तू केस वगैरह कुछ भी करके भेज दे एक बार स्टूडियो में। पारी बन किया एक बार हैं? नहीं पारी वगैरह नहीं तो फोन पे तो कर दे यार। केस लिए गए तो जितने जी पारी फोन पे भी करने की बोलिया नहीं आगे मम्मी यार सत्या बड़े 5 बजे को वेट करना पड़ा। 5:30 5:30 बजे को नहीं अब भी कर दे काम अब भी करना। अब तो ना तो नहीं 5 बजे 5:30 बजे के तो ठीक है यार केस में इतना है तो तो तू तू कोई ना बोल दे और बस बस फोन पे करवा दे एक बार। फोन पे की करने कराऊं तू ही करने बोलियो कैसा है तू नहीं जा रहा सांस को मैं आए ब्रांड बोल को तू का इस बार करने फोन बोल आयो बार ठीक चल ठीक है कोई नहीं भाई ठीक नो 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 क्या रहा उसने बोल दिया किसी का नाम लिया है वो लेकिन मैं क्या पता होंगे नहीं होंगे। हाँ सभी के लगे किसी के पास ऐसे तो पैसों से बेस्ट फ्रेंड थोड़ी होते सही है बहुत अच्छा बहुत दिल से तेरा यार हूँ मैं। मुझे देखे कैसे हाथ हाथ ऐसे कैसे काम रहे यार का से तैयार हो रहा है मैं हो रहा है क्या हाथ ऐसे कैसे हो रहा तो हेलो हाँ अरे बाबू खड़े हैं बाबू यार एक बार 100 रुपया करना यार भाई 200 कर दीजिए तो अब भी कर रहे यार भाई यार झूठते हैं 200 कर दें केस नहीं फोन पे कर फोन पे ठीक कर दें माला पे कर दें तेरा यार हूँ मैं। जयपुर ठीक है नंबर याद है? हाँ फोन पे तो है क्या उनके पास? हाँ नहीं बातों से पता चल जाता ना मैं करवाती हूँ किसी और से अभी करवाती हूँ 5 मिनट में थोड़ा आइडिया हो जाता है। हाँ भेज सकते 500 बोल रहे हैं 500 तो नहीं करे मारे भी बात में जो अपने ठीक है। हेलो हेलो खटर कौन है? सानिया बोल रही हूँ। अरे तू मैंने 100 रुपया फोन पे करने एक बार मेरे को नहीं कौन बात तो तू नगीना किन करवा दे और करे किन का फोन था फोन पे ई नंबर पे ही है किन का ये अरे स्कूटी का तेल खत्म हो गया बाण रास्ते में कड़ा तावड़े कमाई मोहरली से राम पाया भी कोई आया आज आप घर से कोई कोई यूज करेगी फोन पे कोई कोई कौन करे अपना घर से अरे जल्दी करवा बाण स्कैनर क्या भेजू मैं पेट्रोल पहला तो धक्का दे रहा स्कूटी पर हाँ पे भेज दे हाँ ई नंबर पे है फोन पे भैया है ना हाँ ठीक है ठीक जल्दी करवा ठीक जल्दी 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 सभी ने अपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया तो इशु के पैसे आ गए थे पूजा के पास तो नंबर ही नहीं थे प्रतिमा के भी आ ही रहे थे देने के लिए और रिया आपको क्या बोला फोन ही नहीं उठाया फोन नहीं उठाया नहीं वायर के भी आ गए संजय के भी आ गए कुणाल के नहीं है और सानिया का बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि सानिया ने बहुत अच्छे तरीके से बात की अच्छे तरीके से झूठ बोला हां जैसे झूठ नहीं आता मैंने झूठ ही बोला पास किया इनकी फ्रेंड ने उनकी बातों को अच्छे से समझा पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास नहीं है फिर उनकी फ्रेंड ने अच्छे से समझा कि मेरे फ्रेंड प्रॉब्लम में है तो उन्होंने बोला अभी करवाती हूँ कौन से नंबर पे करना है बात और बहुत अच्छे से बात की आप आ जाइए एक बार तो तेरे जैसा यार कहाँ
में थैंक यू बोल दो जिन्होंने थैंक यू सो मच, मेरे को जो टास्क मिला था मैंने भी पूरा किया। आप कमेंट करके हमें भी बता सकती है अपनी फ्रेंडशिप स्टोरी और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम, हम नोटिस करेंगे, मतलब सभी के कमेंट्स भी रीड करेंगे और हम हमारी पूरी एमके स्टूडियो टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप हो तभी हम हैं। वोटिंग की बारी, किसको कितने परसेंट वोट मिले, किसको ऑडियंस ने बचाया है, ऑडियंस का प्यार किसको मिला है, तो रिया आपसे स्टार्ट होते हैं। गाइज आपको भी दिखाई दे रहा होगा साइड में, रिया आपको मिला है ऑडियंस का प्यार, टोटल वोटिंग हुई है 26,000, उसमें से 8% मिला है रिया शर्मा को वोट, तो अभी आपको फोर्थ प्लेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईशु शर्मा, ईशु शर्मा आपको मिले 61%, कितने हुए 61%, 61%, हाँ ठीक है, अभी आपको टॉप पर। फिर नेक्स्ट है पूजा, पूजा आपको मिले 10% ऑडियंस की तरफ से, और एक टास्क हुआ था उसके अंदर ऐसा था कि जो भी वो टास्क जीतेगा आपकी जगह सेम प्लेयर ने वो गेम खेला था, आपकी प्लेयर थी पायल ने वो टास्क जीता था, उसके अंदर आपको मिला था 10% बोनस छोटे बिग बॉस की तरफ से, वो ऐड होकर आपके हो गए 20। तो नेक्स्ट आप हो थर्ड प्लेस पे। नेक्स्ट अंतिमा, कितने पता है कितने, 22, हाँ अंतिमा के हैं 22%। तो जो टॉप टू में है कौन कौन है, ईशु और मैं, बैठ जाइए, आप सेफ हो चुके हो, आपको मिला है ऑडियंस का प्यार, उधर आते तो इधर आ रिया, थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट, ईशु शर्मा को, ईशु शर्मा को ऑडियंस का प्यार बहुत मिला है 61%, और अंतिमा आप भी सेफ हो क्योंकि आपको मिला है ऑडियंस का प्यार, थैंक यू गाइस। तो अभी अपन देखते हैं फैमिली वोटिंग, ओके सारी फैमिली वोटिंग खड़े हो जाना, एक तरफ पूजा आपा जी, एक तरफ रिया आपा जी, तो कौन किसको बताना चाहेगा वो आकर यहाँ पर नाम बोलेगा उसका, ठीक है, नाम बोलने के बाद रीजन बताएगा, ओके तो आ जाइए वन बाय वन, कॉल कौन आता है, इधर से आएंगे सानिया जी, आइए सानिया, तो मैं रिया की तरफ जाऊंगी, क्यों, थैंक यू, क्योंकि इनसे ज़्यादा अभी तक छोटा बिग बॉस में ये दिखे हैं, और ये बोलते भी हैं और ये अच्छा खेलते हैं इनके अकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच, हैप्पी फ्रेंडशिप, इसके साइड आना चाहते हो आ जाओ, मैं मैं भी रिया की तरफ जाऊंगी, रिया की तरफ क्यों, क्योंकि मुझे इससे अच्छा इसका गेम लगता है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेरी बहन है, नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं बहन वाली, नेक्स्ट जाइए बना जाइए, वैसे दोनों सेम ही है आपको पता ही है, लेकिन बस रिया लीडर भी बनी है और बोली भी ये मतलब बोलती है, मतलब थोड़ा बहुत बोलती है और वो उसके समझ में नहीं आता क्या बोलती है, वो थोड़ा बहुत बोलती है और बस इसलिए रिया, ओके थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कौन है, आप चले जाओ, बताइए बताइए, रिया अच्छा खेलती है तो रिया की तरफ से जाना सही लगता है मुझे, तो थैंक यू सो मच, आ जाओ तो फिर आ जाओ, अभी तो वोटिंग फैमिली वोटिंग रिया बहुत ज्यादा हो चुकी है, रिया सेफ जोन में जा रही है धीरे धीरे, तो अभी बचे लास्ट दो वोट, वो देखते हैं किसकी तरफ जाते हैं, आ जाइए नेक्स्ट, जा चल जा, तो खड़ी हो, जाने से तो जा रही है, मन नहीं कर रहा इसको जाने का, बताइए मुझे ये अच्छी लगती है, पहले तो स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगी, अब मुझसे अच्छे से बात करती है तो मैं इसकी साइड जा रही हूँ, ठीक, थैंक यू, अभी ये भी तो हो जाएगा ना कि पूजा मैंने आपको बचाया है कि लास्ट में भी पता पूजा सेफ तो हो नहीं सकती, उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, तो चलो कोई ना, नेक्स्ट मैं किसकी साइड जाऊंगी, मैं पूजा की साइड जाऊंगी, पूजा की साइड क्यों, क्योंकि मैंने क्योंकि मेरी बहन है, सही है, मेरी बहन है ही, और मैंने इसके लिए टास्क जीता था, वो मैंने इसके लिए जीता था, तब मैं इसकी साइड जाऊंगी, ओके तो बता देता हूँ, पूजा को मिले फैमिली की तरफ से दो वोट, दो ही मेंबर, पूजा आपको फैमिली में पसंद नहीं करते क्या लोग,
ये सभी मुझसे जलते हैं। इधर इधर बीच में ही, बीच में ही, बीच में ही, बीच में ही। एक सेकंड चुप, चुप, पहले इसकी सुनते हैं। पूजा आपको पसंद नहीं करते क्या? जलते ना इसलिए पसंद नहीं करते, मेरे को भी जलते क्यों है? कोई नहीं पसंद है। नहीं जलते क्यों है? मैं इनसे ना थोड़ा ऐसे बेटर करती हूँ इनसे, रिया से तो मैं अच्छा करती हूँ, और इन सभी को पता नहीं क्या हो रहा है इनके। देखो समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि मेरे को समझ नहीं है ये प्लेट ना सट क्यों ये थोड़ी बाहर जाके समझना। मैं तो उठ नहीं रही जैसे मोटी भी नहीं हूँ, कहाँ पेट जैसे जगह ही नहीं मिलती इतने मोटे। अरे उठ गई। बात तो सुनिए, हेलो क्यों पसंद नहीं किया आपको, फैमिली में क्यों नहीं रखा, बस ये रीजन बता दीजिए। ये मुझसे जलते इसलिए। जलते क्यों है? मैं इनसे ज्यादा बेटर करती हूँ, पर मेरे को लगता है मैं इनसे सभी से ज्यादा बेटर करती हूँ इसलिए। मैं बेटर का मतलब बताना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। रिया आप आइए, आप वापस जाकर डोरो, आप बताइए आपको उन्होंने क्यों सेव किया? उन्हें, मेरे को लगता है कि उन्हें भी लगता है कि मैं पूजा से बेटर करती हूँ, और इससे मतलब अच्छे से करती हूँ सब कुछ, हर टास्क को मैं कम्प्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो सभी फैमिली मेंबर बैठ जाइए दोनों को छोड़कर। दोनों हैंड शेक कर लीजिए अच्छे से। तो पूजा समझ गए क्या? समझे इनकी तरफ से नहीं बाहर होना चाहता। सॉरी क्या बोल रहे? ये सब कहना चाहते कि मैं बाहर हो जाऊं। फैमिली नहीं चाहती ना रिया, आप भी रोने लगी क्यों? अगर आपको रोना आ रहा तो आप चले जाइए, ये सेफ हो जाएगी। नहीं 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 आ रहा। नहीं हो सकता ऐसा, आप जा सकते हो इनकी जगह। नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहती। पूजा के चेहरे पे खुशी आ गई। बताइए जा सकते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो पूजा आप समझ गए, आपका टाइम आ चुका है छोटे बिग बॉसों से घर जाने का। तो सभी फैमिली मेंबर से मिल लीजिए, मिल लीजिए सभी फैमिली मेंबर। कोई बात नहीं पूजा, मैं जीत के दूंगी, कोई बात नहीं। मत रो मत रो। तो क्यों रो रही है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो क्यों रो रही है ऐसे? चुप हो जा चुप हो जा। पत्र मिल लीजिए। चुप हो जा पत्र। नहीं जीता, तेरी बहन जीत गई। मैं जीत गया। और मिल लीजिए सभी। हां मिल लीजिए। ठीक है जाइए पूजा, टाइम हो चुका आपका। बाय बाय, थैंक यू। बाय पूजा, बाय पूजा, बाय पूजा। और क्या मैंने सारे टास्क किए और मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूं, और मैं इस वीक लीडर भी बनी थी। आपको ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, ऑडियंस की तरफ से आपका कोई मतलब ही नहीं है शो में, छोटे बिग बॉस शो में। सिर्फ फैमिली मेंबर ने पता नहीं आपको क्या देखकर सेव किया है, उसको तो ऑडियंस तो पसंद कर रही थी ना पूजा को, आप ज़्यादा वोटिंग थी, टास्क भी जीते और जिसमें सेफ रहने का टास्क था वो भी पायल ने कंप्लीट किया था। आप खुद फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं सॉरी फैमिली सपोर्ट कर रही है सिर्फ, वो मुझे नहीं पता क्यों कर रही है, या तो उनको आपको सोता हुआ देखकर अच्छा लगता होगा क्या सो रही है इन सभी को, एक दो तीन चार एक, या तो फिर ऑडियंस भी आपको हमेशा ही लगता है तेरी बहन। एक सेकंड चुप। और ऑडियंस भी पसंद नहीं कर रही? अब मैं पूरा कोशिश करूंगी ऑडियंस को एंटरटेन करूं। तो जिसको ऑडियंस पसंद नहीं करी उसको छोटा बिग बॉस भी पसंद नहीं कर रहा। तो पूजा सॉरी रिया आप भी आज छोटे बिग बॉस शो से घर जा रहे हो, सभी से मिल लीजिए। एक साथ दो तो जा रहे हैं, ये छोटा बिग बॉस है।
कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले बोल रहा था मैं कि कौन किसी भी वक्त जा सकता है। वन बाय वन सभी मिल लीजिए। अच्छे से जीत के आती तेरी बहन, ठीक है? कल बात में मेरी बहन दी गई है। तेरी बहन से ले। तू काम? सॉरी। चल अच्छे से और बाय। चल मैं एक तरह से मैंने तुझे सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ बोलो दुनिया। क्या बोल रहा हूँ? बोलने को क्या, बोलने को तो बस बाय बोलना है। आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी कि आप कुछ करोगे? कुछ नहीं किया आपने। मिल ली सभी? ऐसा सोचा ही नहीं था कि दो साथ में जा सकते हैं। नहीं जा सकते। ओ ओ क्या जा सकते हैं? डेंजर जोन वाले सारे बैठ जाते हैं। आप भी जा सकते हैं? नहीं, हम तो बैठे नहीं भाई। तो रिया थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए आज। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम हैप्पी टू यू। ठीक है जाइए, जा सकते हैं छोटे। बाय रिया। बाय। अच्छा खेलना सभी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कितने भी लोग बाहर हो सकते हैं अभी तो एक बार चाहिए। एक दिन में एक जन को ऐसे तो सभी बार हो जाएंगे ना। कैसे भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि छोटा क्योंकि छोटा भी हो सकता है। इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता, जो भी होता है वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है। जो जितना अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उतने अच्छे दिन गेम में टिका रहेगा, छोटे बिग बॉस शो में टिका रहेगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे जल्दी नए टास्क और नई एक्टिविटियों के साथ। तो बाय बाय। अब तो डेंजर जोन में नहीं आना। नहीं आएगी।